आता है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया, आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई, और भी कई जो पॉलिसीज हैं हम लोगों ने लाने का काम किया, स्पोर्ट्स पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया, जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया, तो किसके राज्य में हुआ?